बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपने दो दिवसीय दौरे पर 14 और 15 नवंबर को भागलपुर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान 14 नवंबर को राज्यपाल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही वे इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन और 700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले योगा सेंटर का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं 15 नवंबर को राज्यपाल सुंदरवती महिला महाविद्यालय में पहली बार होने जा रही एकेडमिक सीनेट की बैठक में हिस्सा लेंगे। इस बैठक में वे विश्वविद्यालय और इसके सभी कॉलेजों में शिक्षा व्यवस्था, एडमिशन प्रक्रिया और अन्य अकादमिक मुद्दों पर विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेज के प्राचार्यों और शिक्षकों से बातचीत करेंगे। राज्यपाल के दौरे की तैयारियों के संबंध में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति जवाहरलाल ने भागलपुर जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। समीक्षा बैठक है, महामहिम आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि 14 और 15 का यहाँ पर प्रोग्राम है ना। जो 14 तारीख है उसमें दो तीन प्रोग्राम है। पहले तो इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन है। इसके अलावा यहाँ पर फिजियोथेरापी यानी योगा सेंटर जो है भागलपुर में खुल रहा है। बिहार सरकार की भी चिट्ठी आ गई है, वो करीब 7.5 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनेगा, तो उसका शिलान्यास माननीय महामहिम से हम लोग कराएंगे। दो मुख्य प्रोग्राम है 14 तारीख को, उसके बाद में यहाँ पर लोकल विजिट है ना। और उसी दिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो मारवाड़ी कॉलेज का महिला विंग है उसका भी उद्घाटन हो जाए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रस्ताव भी। बाकी 15 तारीख को एसएम कॉलेज में वो 10 बजे से एकेडमिक सीनेट का मीटिंग है और पहली बार एकेडमिक सीनेट हो रहा है, अभी तक इस विश्वविद्यालय में न हुआ है। और महामहिम ने ही अपने कार्यकाल में सभी विश्वविद्यालय में इस योजना को शुरुआत की है कि एकेडमिक बहस हो, क्या पढ़ाई लिखाई हो रही है, क्या प्रोग्रेस है डिग्री से लेकर के पढ़ाई लिखाई, एडमिशन, ये सारी चीज़ों पर बातें होंगी। उस पर मेंबर्स हमारे कुछ सलाह भी देंगे। और फिर 15 तारीख को ही उनका एक यहाँ पर जो टाउन हॉल है ना, उसमें सीरियल ट्राइब्स के छात्रों से या शिक्षकों से मिल सकते हैं ऐसा। और वो जो प्रोग्राम होगा टाउन हॉल में, वो प्रोग्राम राजभवन द्वारा आयोजित है। ये दो दिन का प्रोग्राम है और उसकी सफलता के लिए हम लोग देख रहे हैं, पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब लोगों से मीटिंग कर रहे हैं और एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी इनक्रोचमेंट हैं जिस एरिया से महामहिम गुजरेंगे उस सबको प्लीज़ खाली करा दीजिए।